भूसे की तरह भरकर प्राइवेट बसों से अन्य जगहों में फंसे यात्रियों को उनके गृह नगर तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी में जहां एक तरफ यात्री वाहनों पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अपने घरों को लौटने के लिए परेशान यात्री प्राइवेट बस में सैकड़ों की संख्या में यात्रा कर रहे हैं। यही नहीं, इन बसों के अंदर और छतों पर यात्री भूसे की तरह भर कर ले जाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के साथ साथ हादसे को भी बुलावा देने के प्रबल संभावना बनती जा रही है। झांसी से आई एक प्राइवेट बस का हाल कुछ इसी प्रकार दिखा, जिसमें सैकड़ों यात्री प्राइवेट बस के अंदर और छत पर देखने को मिले। जैसे ही बस स्टैंड पहुंची, लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और एआरटीओ ने बस को रुकवाया और जानकारी ली। बस में सवार आधे यात्रियों की जांच की और आधे को ऐसे ही विदा कर दिया। एसडीएम का कहना है कि यात्री 2-3 दिन से फंसे हुए थे, जिन्हें झांसी से प्राइवेट बस से उनके जनपदों में भेजा जा रहा है, लेकिन इस तरह सैकड़ों यात्रियों को एक साथ यात्रा करने से लोगों में चर्चा का विषय भी बन गया है। उसमें काफी संख्या में यात्री बैठे थे। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वो कोई भी हमीर सरकारी माफी नहीं है, सभी को बांका जाना है, तो सभी लोग उसी बस से बांका जाना चले।